आज हम देखने वाले हैं बाला का ट्रेलर, हमारे दोस्त आयुष्मान की पिक्चर है ये। और मेरे को लगता है अच्छा नहीं लगेगा यार, मेरे को लगता है उसने इस रोल के लिए अपने दोस्तों से कुछ इंस्पिरेशन लिया होगा। काफी मेथड एक्टिंग है, वो काफी होमवर्क करता है। उसके उसके कुछ दोस्त रहे होंगे जो गंजे हैं उनके। मेरे तो कोई दोस्त गंजे नहीं, मैं तो गंजे को दोस्त रखता नहीं हूँ, मेरे को गंजे पसंद है नहीं, बिल्कुल नहीं। बट काफी बोल्ड रोल किया बंदे ने, एक्सपोज किया है अपने अपने जिस्म को। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स, पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में। हटाओ टोपी, किसी और की दिक्कत नहीं आपको, काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो, हटाओ। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। इसकी फिल्मों के डायलॉग ऐसे बेस्ट होते हैं यार। मैं बाल गिफ्ट कर रहा हूं बेटा। इज रिडिकुलस, पता नहीं लोग विग क्यों पहन। नाम तो सुना, विग पहनने की क्या जरूरत है यार? कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। आज का दिन है आया बिल्कुल लल्लंटा। वो सारे वो सब सोडा पानी नींबू के। जावेद जाफरी जा तो फाड़ देता है। इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दीस। बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा यही टापू है भैया, जो सर में लगा घूमते हो पूरा। कर ली टाइम, हाँ मलिना कट चल रहा है आजकल। छाट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। Oh wow! You just want. This is amazing. Amazing, यार. ये बहुत ही realistic है. ऐसे ये सारे phases से लोग गुजरे हैं हमारे सामने, हमने देखा. हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. Never. शुरुआत में बहुत लोग टोपी पहनते हैं. टोपी का industry I think ऐसे चल रहा है. और टोपी पहनते हेयर फॉल बढ़ता है. मतलब male pattern baldness में चेक करें कि बचपन में उनके बाल देख लिया करो. बहुत अच्छे होते हैं. I'll tell you something. यहाँ पे काफी चीजें जैसे मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स काफी बढ़ चुकी हैं लाइफ में, पर ये बालों का जो सिस्टम है ना, ये अभी भी वही प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। गाय का गोबर और सांड का वीर एक्चुअली वर्क्स। ऑल हिज फिल्म्स हैव द बेस्ट डायलॉग। उसका सब्जेक्ट्स इतने रियल हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज, ये इतने सारे लोगों को या तो वो गुजर चुके हैं या आप भी मजे लीजिए सिर्फ ट्रेलर के नहीं फिल्म के। 7 नवंबर को काफी एक अच्छी स्क्रीनिंग होने वाली है स्पेशल चुनिंदा लोगों के लिए, लेकिन फिल्म रिलीज हो रही है 8 नवंबर को, जरूर देखिए बालों की कहानी बाला के जमाने।